आज हम बनाएंगे समोसे की चाट। बरसात का मौसम है, समोसे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। समोसे के साथ रायता बनाया है, चटनी बनाइए, बहुत ही बढ़िया। आइए एंजॉय करिए मेरे साथ, बनाइए समोसे की चाट। नमस्कार, मानपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। ये हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है। फर्स्ट स्टेप है, 8 से 10 कली वो अमचूर लिया है और 6-7 मिर्चा लिए, लाल मिर्चा हमने, और सूखी मिर्चा है, इसको उबलने के लिए रख दी है। ये जब उबल जाएगी ना तो इसकी चटनी बनाएंगे। इसकी बहुत ही चटकारेदार चटनी बनकर तैयार होती है, बहुत ही बढ़िया। इस पैन को हम पीछे वाली गैस पर रख देंगे, आगे हम दूसरा पैन चढ़ाएंगे। स्टेप टू, समोसे का जो मसाला तैयार करते हैं आलू का, वो बनाएंगे हम। गैस पे पैन चढ़ गया है, 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे इसमें। बहुत ज़्यादा तेल डालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम समोसों को तलेंगे भी तेल में। तेल हमारा गर्म हो जाए, 1 चम्मच भर के सौंफ डालेंगे इसमें, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और 2-3 हरी मिर्चा काट के डालेंगे, बढ़िया बारीक काट के। बहुत तीखी वाली मिर्चा है ये हरी। और ये हमने आलू ले लिए हैं, 8 आलू लिए थे, इनको पहले से उबाल के रख लिए थे, वो मैश कर लिए इनको। और आलू को हम कढ़ाई में मिला देंगे। कलछी की सहायता से ऊपर नीचे करके इसको मिलाएंगे आलू को। और इसमें अब जो मटर उबाल के रखी थी हमने पहले से, थोड़ी सी मटर डालेंगे इसमें, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्चा डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चा डाली, हरी मिर्चा बहुत ज़्यादा तीखी है, फिर बच्चे खा नहीं पाएंगे, ज़्यादा मिर्ची हो जाएगी। 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 चम्मच स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको कलछी की सहायता से अच्छे से पूरे में मिला देंगे, मसाले को ऊपर नीचे करके बढ़िया मसाले को भूनेंगे मीडियम आँच में। आँच को तेज नहीं रखेंगे, मीडियम आँच में इसको भूनेंगे। घर में मसाला बनाते हैं तो अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चम्मच। अपना घर के मसालों से बढ़िया ही सिंपल तरीके से बनाते हैं क्योंकि बाज़ार में इतना ज़्यादा तेल मसाला डाल देते हैं, वो खाते ही नहीं बनता वो मसाला। एक समोसा खाओ आपको जलन होने लगेगी गले में। ये खूब सारा हमने खुल के धनिया डाला है, धनिया से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है इसमें, बहुत टेस्टी। अच्छे से इसको चलाते जाएंगे, हमारा आलू भुन जाए बढ़िया से। 1/2 चम्मच गरम मसाला और इसमें हमने डाला है थोड़ा सा। आलू हमारा भुन के तैयार हो गया है बढ़िया। गैस को ऑफ कर देंगे और हमने थाली में निकाल लिया है मसाले को, ये ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू हमारा जब तक ठंडा होता है तब तक हम चटनी, जो हमारी चटनी का सामान लिया था मिर्चा अमचूर, ये भी उबल चुका है, इसको भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको पीसेंगे बाद में जब ठंडा हो जाएगा तो हम चटनी। और हमने एक परात में 1 बड़ा कप मैदा ले लिए, मतलब वजन के अनुसार 200 ग्राम मैदा ले लिया है। इसमें हमारे 24 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये हमने 1/2 कटोरी इसमें तेल डालेंगे, वही 30 ग्राम के लगभग इसमें तेल डलेगा इसमें बस। हाथों से मलमल के इसको पूरे में मोइन कर देंगे बढ़िया से। बहुत ज़्यादा मौन भी नहीं डालना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा मौन डाल दोगे तो आपका समोसा खिल जाएगा। हिसाब से मौन डाला जाता है, बहुत कम नहीं बहुत ज़्यादा नहीं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। अजवाइन से इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ जाता है। हाथ की सहायता से इसको पूरे में मिला देंगे बढ़िया से। जब हमारा जी मैदे का हाथ से लड्डू बनाओ, लड्डू सा बनने लगे, समझ लो हमारा मौन बिल्कुल कंप्लीट है। देखो लड्डू बनने लगा है, बस मौन की यही पहचान है। आप मौन लगाइए, हाथ से लड्डू सा बनाइए, लड्डू बनने लगे आपका मौन तैयार है। बस इससे ज़्यादा मौन नहीं लगाना चाहिए। हल्का हल्का पानी डाल के इसको मीडियम डो बनाएंगे, ना बहुत सख्त ना बहुत मुलायम, मीडियम ही बनाएंगे इसको। बढ़िया हमारा डो तैयार हो गया, इसको ढक के रख देंगे हम 10 मिनट के लिए। और जो हमने अमचूर और मिर्चा उबाल के रखे थे
इनकी चटनी पीस लेंगे। इसमें सफ़ेद नमक डालेंगे एक चम्मच और चौथाई चम्मच काला नमक डालेंगे और हम ये धनिया धो कर रखी थी धनिया डालेंगे इसमें। बहुत ही बढ़िया चटनी बनके तैयार हो जाती है, खट्टी तीखी बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसकी चटनी तैयार करेंगे। हमारी चटनी तैयार हो गई है, अभी थोड़ी गाढ़ी इसलिए इसमें पानी मिला के इसको थोड़ी सी पतली करेंगे। डो भी हमारा तैयार हो गया है, अब इसके हम चकले पे इसको रोल करके इसकी लोइयां तैयार करेंगे। इतने ही आटे में हमारे 24 समोसे बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत सारे समोसे बन जाते हैं और बढ़िया। आधा घंटा का भी टाइम लगता, मैंने सुबह आलू उबाल के रख दिए थे, इसमें मसाला बनाया, बस मैदा लगाई, समोसे तैयार है, चाय बनाई। बरसात का मौसम है तो इन दिनों तो समोसे पकौड़े चीला यही सब चल रहा है, अच्छा भी लगता है। बाज़ार का इतना तीखा आता है कि खाते ही नहीं बनता, आप एक समोसा नहीं खा सकते बाज़ार का, इतना चटपटा रहता है, गले में जलन होने लगती है, क्या मसाला डाल देते क्या कर देते, बहुत तीखा बनाते हैं। घर के बच्चे आराम से घर में जब समोसे बनाओ तो बच्चे चार चार समोसे खा जाते हैं, तब भी उनका मन नहीं भरता है और भी खाते चले जाते हैं। और स्वाद तो इतना कि भरपूर ही, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है घर के समोसे में। साइज भी अपने अनुसार रख लो, बहुत बड़ी नहीं बहुत छोटी नहीं, अपने मीडियम साइज रखिए। बढ़िया आराम से एंजॉय करिए समोसे का, रायते के साथ, आलू की सब्जी के साथ, चटनी के साथ, जो आपको पसंद आए उसके साथ आप एंजॉय करिए। समोसे की हमारे रोटी बिल के तैयार हो गई है, इसको चाकू की सहायता से इसको दो पीस कर लेंगे। ऐसे ऐसे करके हम और भी बेल लेंगे। सेब की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो काट के बना देंगे ना, बन के समोसे तैयार हो जाते हैं। अंडाकार बनाते जाइए। ये हमारे समोसे की रोटी बनके तैयार हो गई है, काट ली हमने और इसको थोड़ा सा पानी लगा के इसको चिपका देंगे अच्छे से, दोनों सिरों को चिपका देंगे बढ़िया से, खुले ना हमारा समोसा। और हाथ से इसमें मसाले को दबा दबा के अच्छे से भर लेंगे, मसाला खूब अंदर भर जाए, थोड़ा सा ऊपर पानी लगा के चुन्नट लगा के इसको समोसे को फोल्ड कर देंगे। हमारा समोसा तैयार हो गया है, पैक हो गया है बढ़िया अच्छे से। बस ऐसे ही हर समोसे को पैक करते जाएंगे, फोल्ड करेंगे, पानी लगाएंगे, दूसरी तरफ से फोल्ड करेंगे और अच्छे से उंगली की सहायता से इसको चिपका लेंगे। ये मसाला रखा है उसको फरेंगे और हाथ से इसको दबा देंगे अंदर की तरफ। बढ़िया से प्रेस कर दीजिए, पानी लगाइए, फिर से फोल्ड करके चुन्नट बनाइए, समोसा तैयार है। इसी तरह आपके सारे समोसे तैयार हो जाएंगे। कितने ईजी तरीके से समोसे तैयार हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया। हमारे समोसे तैयार हो गए हैं, गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, ये 6 स्टेप है। तेल को बहुत गर्म नहीं करना है, बिल्कुल मध्यम आँच में ही हमको समोसे को तलना है, नहीं तो हम क्या होता है समोसा ऊपर से लाल लाल हो जाता है और फुटकी फुटकी सी हो जाती है पूरे समोसे में, समोसे का पूरा जो सुंदरता है वो सारी ख़त्म हो जाती है और स्वाद भी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमेशा मध्य आँच में ही समोसे को सेकें, इससे अंदर से सिक के आएगा समोसा, ना इसमें फुटकी पड़ेगी, कुछ नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार हो जाते हैं। हमेशा मध्य आँच में ही सेकना चाहिए समोसों को, थोड़ा टाइम लगता है, 10 मिनट लग जाएंगे, लेकिन समोसा बहुत ही बढ़िया सिक के आया, एकदम क्रिस्पी बन के आएगा समोसा अंदर से, जब फ्राई से निकलेगा ना तो एकदम क्रिस्पी रहेगा, देखने वो बाद तक बहुत क्रिस्पी रहेगा। कैसे सेक रहे हैं मध्य आँच में, आप तेज कर दोगे ना तो एकदम से लाल से होने लगेंगे और समोसा अच्छे से नहीं सेक पाएगा, क्रिस्पीनेस तो आएगी नहीं उसमें, बाद में आप निकालोगे तो मुलायम सा हो जाएगा समोसा। और इस तरह से आप सेकेंगे मध्य आँच में तो आपका समोसा एकदम क्रिस्पी रहेगा बढ़िया, ना आप एक फुटकी आएगी कुछ नहीं आएगा इसमें, एकदम फ्रेश रहेगा समोसा।
इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जब भी समोसा सेकें मध्य आँच में ही सेकें, फिर बाद में उनको हल्का सा मीडियम करके उनको सेक सकते हैं, उनको कलर लाने के लिए समोसों को। पहले से आप आँच को तेज नहीं रख करेंगे। कितने बढ़िया सिक्के आ गए, ऐसे गोल्डन कलर आ गया इनका, बहुत ही बढ़िया। हमारे समोसे तैयार हो गए, एक बैच तैयार हो गया है, दूसरा बैच तैयार करेंगे, दूसरा भी डाल देंगे इसको मध्य आँच में, इनको भी सेकेंगे बढ़िया अच्छे से। तो समोसे तैयार हो गए, रायता भी तैयार हो गया, चटनी भी तैयार हो गई है। मेरी चैनल पर भी नए नए आए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी समोसे की चाट तैयार करेंगे, प्लेट में समोसे रख लिए हैं, उनको कांटे की सहायता से इसको फ्रेश करके समोसे को तोड़ देंगे। बहुत ही बढ़िया समोसे हैं और बहुत जल्दी, इतने जल्दी क्रिस्पी हैं, ज़रा से हाथ लगाने से ही टूट रहे हैं समोसे। जो हमने रायता बना के रखा है, सेव का रायता बनाया है हमने, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है रायता, फ्रेश रायता बिल्कुल अच्छे से, बहुत टेस्टी। पुदीना डला हुआ है इसमें, हरी मिर्चा, काला नमक, सफ़ेद नमक, भुना जीरा, बहुत टेस्टी हो जाए चटनी। सेव डाला है, सेव इसमें, बूंदी नहीं डाली इसमें, सेव डाला है, बहुत बढ़िया टेस्ट आया इसका। ये चटनी डाली है, ये ऊपर से बहुत चटपटी सी चटनी है थोड़ी सी। हमारी चाट तैयार हो गई है, एंजॉय करिए। मेरी तो पार्टी हो गई, आप भी अपने घर में पार्टी कीजिए। अभी अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू।